दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यमहा के काफ़ी स्टाइलिश स्कूटर के बारे में, यमहा रे जेडार के स्ट्रीट रैली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिस स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी स्टाइलिश लुकिंग ये पूरा स्कूटर है और काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। और स्पेशली जो इसका फ्रंट है, अगर आप देखेंगे तो आपको वाइज़र, मस्त वाला वाइज़र मिलता है, एकदम स्पोर्टी वाला। और साथ ही साथ आपको जो है नकल जो है गार्ड देखने को मिल जाता है, तो मतलब ये थोड़ा सा इसको, पूरे स्कूटर को स्पेशल बनाता है। तो चलिए आज की वीडियो में जान लेते हैं कि इसका प्राइस क्या चल रहा है और इसमें क्या क्या स्पेक्स आपको देखने को मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं राइट टू नो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस स्कूटर के दो कलर जो है आपको मिल जाएंगे। इन दोनों ही कलर्स में जो अभी आप ये कलर देख रहे हैं, ये रेसिंग ब्लू कलर है और एक इसका रैली रेड कलर आता है, ठीक है। तो मुझे तो वैसे ये रेसिंग ब्लू काफ़ी पसंद आता है, जो रैली रेड है वो भी अच्छा कलर है, बट ये ज़्यादा, इसमें आपको थोड़ा सा नियॉन का यूज़ भी देखने को मिल जाएगा, आप अगर आप देख पा रहे होंगे तो, ये सारी चीज़ में हो जाती है। चलिए आपको प्राइस पहले बता देते हैं। तो जो इसका इस समय एक्सोरूम प्राइस चल रहा है इलाहाबाद में, वो लगभग 60,000 के करीब है एक्सोरूम प्राइस। तो ऑन रोड प्राइस के लिए आप एजेंसी के नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कागज़ वागज इंश्योरेंस सब कंप्लीट करने के बाद ये स्कूटर कितने को कम्प्लीटली आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो लुक निकल के आ रहा है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। ये देखिए, काफ़ी अग्रेसिव लगता है, काफ़ी बेहतरीन लगता है देखने में। बट एक चीज़ ये भी है गाइस कि मतलब जब फील करोगे ना आप, टच करोगे इसको, तो मतलब वो हैवी वाली फील नहीं आती है। मतलब जो फाइबर यूज़ किए गए हैं वो क्वालिटी इनकी अच्छी है, लेकिन बहुत ही बेहतर क्वालिटी नहीं है। तो अगर आपको एक बेहतरीन लुक चाहिए, मतलब एक डिफरेंट टाइप का आपको फ्रंट में लुक चाहिए, तो ये स्कूटर बेस्ट है आपके लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो देखिए, इसमें आपको UBS मिल जाता है, ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें UBS इंस्टॉल है, जो कि है यूनिफाइड ब्रेकिंग सिस्टम। ठीक CBS की तरह ही ये काम करता है। अगर आप पीछे वाला ब्रेक यूज़ करोगे तो फ्रंट वाला ब्रेक भी अप्लाई होगा और दोनों ब्रेक एक साथ काम करेंगे तो आपको काफ़ी बेहतर ब्रेकिंग मिलेगी और आपकी स्कूटी जो पहले बहुत ज़्यादा फिसलती है वो अब बहुत कम फिसलेगी, ठीक है गाइस। इसके बाद जो इसका फ्रंट टायर आप देख रहे हैं, ये गाइस 90x100 का है और ये ट्यूबलेस टायर है। और साथ साथ जो आप डिस्क देख रहे हैं, ये 170mm का इसमें आपको डिस्क मिल जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें आपको डिस्क का सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। और जो इसके बाद आगे का इसका जो सस्पेंशन है गाइस, वो आपको टेलीस्कोपिक फोर्क देखने को मिलेगा और ये इसका हॉर्न आप देख पा रहे होंगे, ठीक है गाइस। इसके ऊपर हम बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको जो है और भी मिलने वाली हैं। तो जो इसका जो फ्रंट में इसका जो हेडलैम्प है गाइस, उसके पहले हम आपको इसके साइड इंडिकेटर बता दें कि ये आपको 10W के बल्ब इसमें लगे हुए हैं और जो कि साइड पैनल पे ही इनबिल्ट हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और जो इसका हेडलैम्प है वो 35x35W का हैलोजन बल्ब है, ठीक है गाइस। यहाँ पे मुझे लगता है कि LED जैसा कुछ देना चाहिए था यमहा वालों को, बट वी कैन से कि 2020 में जब इसका BS6 मॉडल आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है वो अपडेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे रेड जेडार आपको लिखा हुआ मिलेगा, बड़े बड़े स्टिकरिंग करी गई है, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और गाइस मतलब इसमें नियॉन का कलर भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। आते हैं इसके यहाँ पे स्विच क्वालिटी पे, तो वो ठीक ठाक है। आपको राइट हैंडल बार पे और लेफ्ट हैंडल बार पे दोनों साइड पे आपको जो है सेम स्विचेस मिलते हैं जो कि अदर स्कूटर्स में देखने को मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इसमें नहीं है। हाँ, जो इसका मीटर कंसोल है गाइस, वो बहुत अट्रैक्टिव है, आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है। तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसमें आपको मिल जाती हैं। चाबी मेरे पास नहीं थी, नहीं तो हम जो है ऑन करके आपको दिखाते हैं। लेकिन एक चीज़ है गाइस कि जो आपको चाहिए स्कूटर्स में, मतलब जितनी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए मीटर कंसोल से, वो इसमें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, ठीक है गाइस। चलिए इसके बाद राइट हैंडल बार पे आप देख रहे हैं, आपको सिंगल स्विच मिलता है जिससे आप अपने स्कूटर को स्टार्ट कर पाओगे, जो कि पावर स्टार्ट स्विच है। ये सारी बातें हो गई। और ये देखिए, यहाँ पे जो आपको नकल गार्ड मिलता है, काफ़ी अग्रेसिव लगता है देखने में। और ये यहाँ पे हम आते हैं तो देखिए, ये चीज़ बहुत बढ़िया है कि आपको आगे की तरफ जो है यूटिलिटी बॉक्स मिल जाता है, यूटिलिटी बॉक्स है ये, जिसमें आप जो है लगभग आधा लीटर का अपना जो पानी की बोतल है वो रख पाओगे, अपने फ़ोन वोन वगैरह वगैरह सब कुछ आप इसमें रख सकते हो। तो ये अच्छी चीज़ है कि आगे हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है चीज़ों को रखने के लिए। सीटिंग कंफर्ट इसका काफ़ी सही है, इसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीटिंग कंफर्ट के मामले में कोई शिकायत मुझे नहीं है, ठीक है गाइस। इसके बाद इसके पीछे वाले टायर और पीछे वाले सस्पेंशन की बात कर लें, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेट रैली और काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। और इसमें गाइस आपको किक और सेल्फ दोनों मिल जाता है, आप चाहें तो किक से स्टार्ट करते हैं या फिर आप सेल्फ से स्टार्ट कर सकते हैं। इंजन की बात कर लेते हैं थोड़ा दोस्तों, तो इसमें आपको 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड इंजन मिलता है
113 सीसी का इंजन है। जो मैक्स पावर हमें मिलती है वो 7.1 पीएस की मिलती है 7500 आरपीएम पे, और जो मैक्स टॉर्क मिलता है वो 8.1 न्यूटन मीटर का मिलता है 5000 आरपीएम पे। गाइस इसमें 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया गया है, इस चीज़ का गौर कर लीजिएगा। और ये आप सस्पेंशन देख रहे हैं सर हमें स्क्रीन पे, ये आपको यूनिट स्विंग आर्म जो है सस्पेंशन देखने को मिल जाता है, ठीक है गाइस। इसके बाद इसमें आपको काफ़ी स्टाइलिश जो है ग्रैब रील भी मिल जाती है, नुकीली टाइप की, मतलब पीछे की तरफ जो है इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी बढ़िया रखा गया है। और जो इसका टेल लैंप है गाइस, इसमें भी आपको 21/5 वाट का जो है 21/5 वाट का इसमें बल्ब आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस पूरे स्कूटर में आपको एलईडी जैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। पीछे वाला टायर भी आपको आगे वाला टायर की तरह सेम है, 90/100 का है आगे और पीछे दोनों टायर, और दोनों ही टायर ट्यूबलेस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है गाइस। इसके बाद इस स्कूटर के डायमेंशन की बात कर लें तो इसका जो लेंथ है गाइस वो 1820 mm का है, इसकी जो हाइट है वो 1115 mm की है, इसकी सीट हाइट 775 mm की है, और जो इसका व्हील बेस है वो 1270 mm का है, और गाइस इसका जो ग्राउंड क्लीयरेंस वो 130 mm का है। और वेट इस गाइस इस पूरे स्कूटर का वेट 103 kg, मतलब काफ़ी लाइट वेट है ये पूरा स्कूटर, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस स्कूटर के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं वो सब मैंने आपको बता दिया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसे लगा ये स्कूटर, कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।